Hello guys, today I, Sonia, is here to provide you the explanation of the chapter English Snobbery, जो कि एल्डस हक्सले ने लिखी है. स्नोबरी का मीनिंग क्या होता है? स्नोबरी का मतलब होता है कि जो लोग अपनी पावर या पैसे या एजुकेशन की वजह से अपने आप को दूसरे लोगों से ऊंचा समझते हैं, अपने आप को बेहतर समझते हैं, कि दे थिंक दैट दे आर बेटर देन द अदर पीपल इन द सोसाइटी बिकॉज ऑफ द मनी, पावर और एजुकेशन और एनी थिंग. इंग्लिश स्नोबरी इज़ द मोस्ट फेमस एसे ऑफ एल्डस हक्सले. इस एसे में एल्डस हक्सले गॉसिप राइटिंग के बारे में बताते हैं. राइटर कहते हैं कि जो गॉसिप राइटिंग है वो इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा इंग्लैंड में ही पॉपुलर है. जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, उसमें मोस्टली अननेसेसरी थिंग्स ही होती हैं, फालतू की चीज़ें लिखी होती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ गॉसिप्स. उसमें सिर्फ गॉसिप्स भरी होती हैं. इंग्लैंड में सभी गॉसिप राइटिंग को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो यूरोप है वहाँ पर गॉसिप राइटिंग को कोई भी पसंद नहीं करता. नोबडी इन द यूरोप इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग गॉसिप राइटिंग, बिकॉज जो वहाँ के लोग हैं वो सोचते हैं कि गॉसिप राइटिंग से मनी अर्न करना ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है. पर जो लंदन के लोग हैं वो बिल्कुल ही अपोजिट सोचते हैं. वो सोचते हैं कि गॉसिप राइटिंग ही एक मनी अर्न करने का सबसे अच्छा तरीका है. हक्सले कहते हैं कि इंग्लिश स्नोबरी डे बाय डे इंक्रीज ही कर रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है. जो लोग हैं वहाँ के वो न्यूज़पेपर में अपनी फ़ोटोग्राफ्स पब्लिश करवाना चाहते हैं गॉसिप राइटिंग में ही. हक्सले ने कुछ इमेजिनरी करेक्टर्स को भी इंट्रोड्यूस किया है. दे आर नैपवीड एंड देयर डॉटर एंजेलिका. हक्सले थिंक्स दे आर वॉकिंग एट हंट स्टेपल चेजेस. हंट स्टेपल चेजेस का मीनिंग होता है शिकारी का पीछा करना. हक्सले के अकॉर्डिंग जो इंग्लिश स्नोबरी है वो इंक्रीज ही कर रही है, पर ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. बस यही है इस चैप्टर में. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. डोंट फॉरगेट टू लीव अ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स.